अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, इस ब्लॉग को मैंने कल शाम को स्टार्ट किया था, लेकिन मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई और मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। तो कल मुहर्रम की 10 तारीख थी, तो मैंने फातिहा के लिए बनाया था चौंगा, शरबत और खिचड़ा वगैरह, मतलब वो चने की दाल की कबूली, तो वही मैं बना रही थी। तो बस वही रेसिपी वगैरह ऐसी छोटी छोटी सी मैंने शूट की है, सो वही मैंने बस रिकॉर्ड कर पाई और उसके बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही कल ठीक नहीं थी सुबह से ही, पर मुहर्रम थे तो फातिहा के लिए तो कुछ बनाना ही था। तो बस यूँ समझ लूँ मैं बहुत ज़बरदस्ती से कल मैंने बनाया, तो बस उसके बाद फिर मैंने हिम्मत ही नहीं हुई मेरी कैमरा उठा के ब्लॉग बनाने की। तो बस मैंने क्या क्या किया, छोटा सा ब्लॉग है, मैंने क्या क्या किया वो आप लोग चलिए आके देख लीजिए। सो यहाँ पे मैंने हाफ लीटर यानी आधा किलो दूध लिया है शरबत बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने चने की दाल को बॉयल होने के लिए रखा है, और शरबत के लिए ये मैंने लिए कुछ काजू, बादाम और चीनी जिसको मैं पीस कर पाउडर बना लूंगी तो शरबत में डालूंगी। इससे बहुत ही टेस्टी शरबत बना था, तो आप लोग भी इस तरह से पीस कर डाल लेंगे अगर कभी भी, और नॉर्मल पीने के लिए कभी भी बनाते हैं तो ऐसे दूध का शरबत, तो बहुत ही टेस्टी शरबत बन के रेडी हुआ था ये। और मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था। तो अब ये दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये डाल देंगे और उसके बाद देख सकते हैं बॉईल करने के बाद ये हमारा शरबत रेडी है। इलायची पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, और इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि शरबत जो है ठंडा ही अच्छा लगता है। और ये चने की दाल भी हमारी बॉयल हो चुकी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ का सीरा बनाने लगी हूँ जो कि चौंगा बनाने के लिए, चौंगा के लिए काम आएगा। तो ये गुड़ का सीरा मैं जल्दी से छौंक देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद मैं इसमें लौंग डाल दूंगी दो तोड़कर, और एक हरी इलायची को पीस कर डाल दूंगी। तो ये आप लोगों ने चौंगा की रेसिपी मेरे चैनल पर देखी होगी, तो बस ये यहाँ पे मैं फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ, तो बस इसी तरह से गुड़ का सीरा तैयार किया जाता है चौंगा के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे मैंने गुड़ को मेल्ट करके रखा था जिसको मैंने छान लिया है ताकि जो भी कचला वगैरह होता है वो निकल जाए, तो छान के पहले से ही रख लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं घी में मैंने लौंग और इलायची डाल दी, उसके बाद ये मैंने गुड़ का जो सीरा बना के छान के रखा था वो ऐड कर दिया। और अब इसको थोड़ी देर बॉयल करूंगी, और उसके बाद ये हमारा 5 मिनट में ही ये गुड़ का जो सीरा है, गुड़ की चाशनी है, वो रेडी हो जाएगी। तो उसको बॉयल करूंगी 5 मिनट, तो गुड़ का सीरा भी बन के रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पे चने की दाल वाले चावल को भी छौंक देती हूँ, यानी जो कबूली बोलते हैं जिसको, तो हम लोग तो चने की दाल के चावल ही बोलते हैं, तो बस छौंक देती हूँ यहाँ पे मैं जल्दी से। नमक डाल देती हूँ, और ये भी बहुत ही सिंपल से बनते हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। इनको घी में या फिर रिफाइंड ऑयल या डालने में बना सकते हैं, इसमें सरसों का ऑयल नहीं डालते तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें मैंने सरसों का ऑयल नहीं डाला, इसको मैंने घी में बनाया है, तो जब भी तो इसका टेस्ट अलग आता है। बहुत ही सिंपल से इसमें साबुत मसाले डालते हैं बस, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने चावल भी छौंक दिए है, और यहाँ पे थोड़े से बर्तन निकले हैं वो भी मैं फटाफट से धो के रख देती हूँ। यहाँ पे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, थोड़े से ही थे, ज्यादा नहीं थे, तो बर्तन भी धुल गए। और यहाँ पे मैं अब आटा गूंद कर रख देती हूँ चौंगा बनाने के लिए, यानी रोटियाँ जो बनेंगी चौंगे वाली, तो वो उसके लिए मैं आटा गूंद कर रख देती हूँ। तो इस आटे में नमक नहीं डालता है, ये बिना नमक का आटा गूंद कर रेडी करना होता है। तो उसके बाद मैंने रोटियाँ वगैरह भी सेक ली थी, और फातिहा भी हो गई है, तो फाइनल लुक देख लीजिए आप लोग। ये हमारा शरबत, और ये चने की दाल वाले चावल, और ये चौंगा। तो फातिहा हमारी हो चुकी है, तो इस तरह से हमारा खाना जो है बन के रेडी हुआ था। तो यही हमारे मायके साइड में यही बनता है, और मैंने यही बनाया था इसीलिए।
और यहाँ पे अनम को चौंका देखकर भूख लगी थी, तो मैं ये अनम के लिए लेकर आई हूँ, इसको खिला देती हूँ। बट बच्चों को होता है ना, कुछ चीजें देख के भूख लगती है, बट खाने में बैठाओ तो फिर नहीं खाया जाता। यही अलनम का है, तो उसको बस देख के ही भूख लग रही थी, बट खाने बैठी तो फिर उसको नहीं खाया गया। सो बस मैं इसको खिलाती हूँ, जितना खाएगी उतना खा लेगी। सो बस यही मैंने बनाया था, मेरे माइक के साइड यही बनता है चौंगा खिचड़ा। और ये हमारे यहाँ के ताजिया, ये हमारे यहाँ का ताजिया है, देख लीजिए आप लोग। देखा आप लोगों ने, मैंने इतना सा ही ब्लॉग शूट किया था, बस इतना सा ही मैं बना पाई। और अभी ये नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, मेरा भी सुबह का सारा काम हो गया है, अनम नहा चुकी है और बस मैं नहाने ही जा रही थी। मैंने देखा कि मैंने इस ब्लॉग को एंड ही नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा ये छोटा सा मेरा ब्लॉग मुहर्रम वाला, तो बताइएगा ज़रूर मुझे कॉमेंट करके। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।